कोरोनाचा उपद्रव रोखण्यासाठी शासनाने विविध प्रकारचे निर्बंध घातल्याने मागील 2 वर्षात सरकार सोनापीर बाबाचा उर्स महोत्सव फक्त धार्मिक विधीपुरताच मर्यादित होता, त्यामुळे असंख्य भक्तांना बाबाच्या दर्शनाला मुकावे लागले। यावर्षी मात्र निर्बंध शिथिल झाल्याने 5 दिवस भाविकांनी अलोट गर्दी केली होती। 10 मार्च रोजी या उत्सवाची सांगता झाली। या उत्सवाला विविध प्रकारची मदत केल्याबद्दल उत्सव समितीच्या वतीने मुजावर फकीर मोहम्मद, बाबर मोहम्मद व जहागीरदार यांच्या हस्ते 7 मार्च रोजी सायंकाळी 6 वाजता महसूल प्रशासन, आरोग्य विभाग, पोलीस प्रशासन, नगर प्रशासन, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकारांचा सन्मान करण्यात आला। या उत्सवात भाविकांनी सारखी गर्दी केल्याने फुलांची चादर, हार, फूल, प्रसाद, धार्मिक साहित्य व संसारोपयोगी साहित्याची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव दिसून आले। तसेच विविध प्रकारचे मनोरंजक खेळ खेळावयास मिळाल्याने बाल गोपाळांच्या चेहऱ्यावरही आनंद ओसांडून वाहत होता। और मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और चाह रहा भी हूँ हजरत वो हजरत बाबा सैयद सनाउल्लाह शाह उर्फ सोनापीर रहमतुल्लाह का उर्स 2 साल से कोरोना की वजह से जो रुक गया था वो आप इस साल शासन ने ज़रा सा थोड़ा ढील दी है और उसमें कुछ नियमावली जारी करके उर्स करने का जो टाइम दिए हमको मौका दिए तो उसकी वजह से हम ये उर्स मना रहे हैं। अच्छे तरीके से उर्स हो गए हैं, आधा उर्स हो गया है, अभी आधा उर्स होना बाकी है। अब तहसीलदार साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वैसे सभी डिपार्टमेंट जितने भी हमारे कर्मचारी हैं माहौर के उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, नगर पंचायत वालों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। पानी वाने के ज़रा अच्छा इंतजाम कर लिया साल उन्होंने और साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखे हैं उनका भी। वैसे मेरे पत्रकार दोस्त यहाँ माहौर के जितने भी हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हर साल अपने बराबर उर्स में आकर अपना एक टाइम निकाल कर दरबार में हाजिरी देते हैं, देखभाल करते हैं और यहाँ के लोगों को अच्छा यानी ये देते हैं, मौका देते हैं उनको। लाइन के डिपार्टमेंट के तकलीफ हुई 5 तारीख के दिन 2-4 घंटे 4 बजे से 8-9 बजे तक लाइन नहीं रही, इसमें बहुत लोगों को तकलीफ हुई। इसमें जो लोग खाना खाए उनको पानी नहीं मिला पीने को, वो उसके वजह से मोटरों का काम है यहाँ पर, कोई बाल्टी और इससे खींचने का तो कुआं नहीं है, पूरे मोटरों से काम कर लेते हैं। वो लाइन जाने के वजह से लोगों को बहुत काफ़ी तकलीफ पहुँची है, खाना खाया तो पानी नहीं मिला पीने को, उसको दरगाह में जाने को लोगों को नहीं मिला, जगह क्या जगह पर अंधेरे में लोग थम के बैठ गए हैं 4 घंटे एक जैसा। इसी से मैं और बाकी जितने भी आए वाले जायरीन हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आने वाले हैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ आने वालों का भी। संजय गोगरे, अनवर खिच्ची, पवन कोंडे सह अपिल बेलखोड़े, विदर्भ न्यूज, माहूर।